कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा बकरीद रविवार को काशी में पूरी अकीदत से मनाया गया। इस मौके पर वाराणसी के मस्जिदों और ईदगाहों में पूरी अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। नमाजियों ने खुदा की बारगाह में मुल्क की तरक्की, अमन चैन के साथ बरकत और खुशहाली के लिए दुआ की, फिर एक दूसरे के गले मिल एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बकरीद की नमाज सुबह 6 बजे से शुरू हो गई थी। नमाजियों की सबसे ज़्यादा भीड़ दरगाह फातमा लल्लापुरा और सदर इमामबाड़ा लाठसरैया में नजर आई। काशी विद्यापीठ, लाठसरैया, नदेसर, धरहरा के अलावा शहर से देहात तक की मस्जिदों में सुबह तय समय से पहले ही नमाजियों का भीड़ लगना शुरू हो गया था। इस दौरान सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम थे। हालांकि एहतियातन प्रमुख मस्जिदों में नमाज के मद्देनज़र अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। आपको बता दें कि यह मौका कोरोना काल के बाद 2 साल बाद आया है, जब मस्जिदें और ईदगाह गुलजार हुए। बता दें कि इससे पहले लगातार 2 साल कोरोना महामारी के कारण मुस्लिम बंधुओं ने अपने घरों में ही बकरीद की नमाज अदा की थी। इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुस्लिम भाई सुबह सुबह घरों से सज धज कर निकले। हालांकि नमाज के दौरान शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पूरा ख्याल रखा गया। नमाज अदा करने के साथ ही शहर से लेकर गांवों तक कुर्बानी का दौर शुरू हो गया था। ये ईद की नमाज हमें अल्लाह रब्बुल आला का जो क़ुर्ब, हाँ, बकरीद के लिए जो क़ुर्ब मिलता है अपनी जान, अगर अल्लाह की बारगाह में हम सजदा रेजी करके कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें नाम दिया उसकी खुशी में रब ताला की बारगाह में हम कुर्बानी पेश करते हैं। काशी कमिश्नरेट में अब तक जितने भी पर्व और त्यौहार संपन्न हुए हैं वो बहुत ही सकुशल और एक आदर्श वातावरण में संपन्न हुए हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार ईद उल अजहा है, जिसमें शहर के प्रमुख ईदगाहों में, मस्जिदों में नमाज अभी तक जो है सकुशल अता की जा रही है। पुलिस ने काफ़ी अच्छे सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। हम लोगों ने कई चक्र धर्मगुरुओं के साथ बैठकें की, उनका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है और आज भी ये जो कार्यक्रम है वो पूर्व की भांति, जो काशी की एक परंपरा है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम त्यौहार दोनों में दोनों समाज के लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे को हर तरीके से मतलब सहायता भी प्रदान करते हैं, तो उसी गंगा जमुनी तहजीब के तहत आज ये त्यौहार जो है अभी तक सकुशल चल रहा है।